हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए सीखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जो 5 से एंड होता है। मान लीजिए 35 का स्क्वायर, इट इज 1225। 85 का स्क्वायर, इट इज 7225। अब टफ वन लेते हैं, 115 का स्क्वायर क्या होगा? इट इज 13225। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये सब मुझे इतनी जल्दी कैसे पता चला, तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। अगर आप नोटिस करें तो इसका जो सेकंड पार्ट है आंसर का, वो 25 से एंड होता है, जो और कुछ नहीं बट 5 का स्क्वायर है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 35 के स्क्वायर में फर्स्ट पार्ट है 12, जो मिलता है 3 × 4, मतलब फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट हायर डिजिट, 3 के बाद आता है 4, तो 3×4 = 12। सिमिलरली हम सेकंड देखते हैं, 85 का स्क्वायर में फर्स्ट पार्ट आता है 72, जो आता है 8×9 से, और 115 में 132, जो आता है 11×12। सो वी गॉट द फर्स्ट पार्ट, जो मिलता है फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट हायर डिजिट, जैसे 3×4 = 12, 8×9 = 72, 11×12। और जो सेकेंड पार्ट है वो आता है 5 स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है 65 का स्क्वायर, तो फर्स्ट पार्ट आएगा 6×7, जो होता है 42, और इसका सेकेंड पार्ट हमें मिलेगा 5 स्क्वायर, जो है 25। तो हमारा आंसर हो गया 4225। है ना आसान? अब एक क्विक टिप आपके लिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है 68 का स्क्वायर क्या है। अब हमें ये तो पता है कि 65 का स्क्वायर है 4225, और नेक्स्ट 70 का स्क्वायर कैलकुलेट करना आसान है, जो है 4900, जो है 7 का स्क्वायर 4900। तो हमारा जो आंसर होगा वो 4225 और ये 4900 दोनों के बीच आएगा, क्योंकि 68 65 और 70 के बीच का नंबर है। तो अगर हम एलिमिनेशन रूल के हिसाब से जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाता है क्योंकि वो 4225 से छोटा है, सेकंड ऑप्शन कट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन कट हो जाएगा, और हमारा आंसर आएगा सी 4624। क्यों? क्योंकि ये इकलौता नंबर है ऑप्शन में जो इन दो नंबर्स के बीच आता है। सो अब आप इम्प्रेस कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स को किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में, जो 5 से एंड होता है। थैंक यू।